और गाइस अब मेरे चैनल का नेम पुनस हेयर से चेंज हो गया। रेट वहाँ पे था 70,000, कैन यू बिलीव दिस। क्योंकि मेरे लास्ट एयरपोर्ट एक तो मेरे पेट टप्पू ने खा लिए थे, और एक बार मैंने अपने एयरपोर्ट जो उससे पहले वाले थे वो मैंने पोटी करते वक्त जब मैं उठा तो वो गिर गए थे अंदर, तो मेरे जैसे नुकसान होते रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ अपने ही शहर की मार्केट को एक्सप्लोर करने। अब आप लोगों को पता ही है कि शादी की तैयारियाँ कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, तो मुझे तो ऑलरेडी बहुत पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत इजीली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो आजकल क्या हो रहा था कि मैं जैसे अपने इंस्टाग्राम पर जो भी स्क्रॉल कर रही हूँ शादी से रिलेटेड, तो मुझे बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है जो मैंने अपनी लिस्ट में ऐड की है और जो मुझे चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि कोई चीज़ मैं ऑनलाइन परचेज करूँ या किसी साइट से परचेज करूँ, उससे पहले मुझे अपने शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए। यार पटियाला शहर है हमारा, इतना सब कुछ मिलता है यार, इसलिए आज मैं मार्केट में आई हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की मार्केट में मुझे मेरे टाइप की चीज़ें मिलती है या नहीं। लेट्स गो। तो मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले मैं पहुंच गई यहाँ इस शॉप पर ये चूड़ा कवर्स देखने के लिए, बिकॉज मुझे कुछ अपने लिए इस पर कस्टमाइज करवाना था। तो बस यही पता लगाना था कि हमारी सिटी में इस टाइप की कस्टमाइजेशन की जाती है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो दिखा ही रहा था, पर ऑनलाइन का थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं ठीक हो या ना हो, इसलिए देख कर चीज लेने में ज्यादा सही रहता है। एंड अब अभी तो मेरा लहंगा तक नहीं डिसाइड हुआ है, तो ये सब तो उसके बाद ही लिया जाएगा ऑब्वियसली। पर मुझे बस इस बात की जानकारी लेनी थी कि ये चीज मेरे अपने शहर में अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद ये शादी से रिलेटेड ही अटपटी चीजें मैं देख रही थी, जिनका मुझे ये तक नहीं पता कि इनका यूज कहाँ होता है, क्यों होता है। अभी हम खा रहे हैं पटियाला की स्पेशल पकौड़ियाँ, दे आर सो यम्मी। और अंकल ऐसे तवे के ऊपर इसे गरम करते हैं और ग्रीन चटनी के साथ इसे देते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गॉड, किस चीज़ की पकौड़ी होती है अंकल जी? मूंग की दाल। मूंग की दाल खाता है। इसके बाद घूमते फिरते मैं पहुंच गई ये कपड़े की दुकान पर, और सच बताऊं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी मैं। एक तो मम्मी, बहन, भाभी सब दूर रहते हैं, और इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि कोई तो मेरे साथ होता है। यहाँ विशाल के साथ घूम रही हूँ मैं मार्केट में। फिर बहुत देर मत्था मारने के बाद मुझे कुछ समझ आया और मैंने ये स्टफ़ लेना प्रेफर किया, बिकॉज दोस्तों मैं पहले अपने सूट्स खुद डिज़ाइन किया करती थी, लेकिन बहुत टाइम से मैंने ये हरकत नहीं की, अपनी कलाकारी मैंने कहीं नहीं दिखाई, बिकॉज शूट्स में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। पर अब फिर से वही कलाकारी दिखाने का मन कर रहा है, बिकॉज मौका भी है दस्तूर भी, इसलिए मैंने फाइनली ये स्टफ ले लिया। आज मैं घर जाके सुमेर से इतनी गालियाँ सुनने वाली हूँ ना, क्योंकि मैंने ना एक सूट देखा था ऑनलाइन जो मुझे बहुत पसंद आया था, आपको यहाँ पे उसकी फ़ोटो दिख रही होगी, ठीक है। तो उसका रेट वहाँ पे था 70,000, कैन यू बिलीव दिस, इतना महंगा। मैंने कहा नहीं यार, और मैं पहले ना ऐसा करती थी कि मैं अपने सूट्स खुद ही डिज़ाइन किया करती थी, तो मैंने सोचा फिर से वही करके देखते हैं, इसलिए मैंने स्टफ ले लिया है। लेट्स सी अब वो चीज़ वैसी बन पाएगी या नहीं। अभी घर जाते हैं, बहुत देर हो गई मुझे मार्केट में। सो गाइस, हाँ ये कर लो पहले। ये लोग भी हमें मिल चुके हैं, से हाय, मैं व्लॉग कर रही हूँ। हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल, व्हाट डू यू डू? सो दोस्तों, आज पुनम जी ने व्लॉग में क्या दिखाया मुझे नहीं पता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बट इतना पता कि मार्केट गई थी, लोकल मार्केट में लोकल शॉपिंग करने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं एक बड़ी स्पेशल जगह को देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए, और फिर आगे बताएंगे वो जगह क्यों देखने के लिए। पुनम, आई वांट टू से यू वन थिंग, तनु चन्न किवें आखां चन्न ते वी दाग ने, कौन बणू चकोर तेरा किस गबरू दे भाग ने। बात सही है। फुल भी तनु देख के रोज सजदा करदे ने, थानू फुलां वर्गी कहिए या फुल छोटे वर्गी। क्या कर रहे हो? हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं फोन लेके भाग गया हूं इसका। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। हमने तो कुछ
बता दिया कि हम कहाँ पे हैं, मैंने बताया मैंने दिखा तो दीजिएगा फिर दिखाऊंगा कहाँ पे हैं। हाँ सच में गंदा है यार। बैठिए बैठिए बैठिए, हमारे गंदे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये हमारे शहर की फोर्स चार्ज बुटी कहलाई जाती है। मैं इसको और लोकेशन हम देख चुके हैं और अभी मैं लोकेशन पर ही चल रही हूँ, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। कुछ तो सरप्राइज रहना चाहिए ना आप लोगों के लिए भी, इसलिए। तो गाइस हमने लोकेशन देख लिया है और आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम तब भी एक लोकेशन को देखने गए थे, अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अभी हमने कुछ बुक नहीं किया है। और सुमेश आप क्या कहना चाहते हैं? लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है दोस्तों। वो किसके लिए हो रही है लोकेशन, वो आपको अभी इस टाइम में पता चलेगा, लेकिन जब वो आएगा तब आप ये वाला व्लॉग निकाल के देखना किस लिए। आई समझ में नहीं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने कानों में मशीन लगवाने के लिए कि जिससे मुझे सुनाई दे, आई मीन मैं एयरपोर्ट्स लेने जा रहा हूँ नए, क्योंकि जो मेरे एक एयरपोर्ट थे ना, आई शिट आग लग गई। क्या आग लग गई है? कंफर्म है भाई आग लग गई। शिट 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 भाई आग लग गई, कसम से कह रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तंदूर देखा हर जगह लिखा हुआ है, अबे आदमी है क्या नोटिस बोर्ड? तुम पागल हो क्या? मैं डर गया था यार, क्या होगा ये। तो दोस्तों मैं अपने कानों की मशीन लगवाने जा रहा हूँ, मतलब एयरपोर्ट्स लेने जा रहा हूँ। जो मेरे एयरपोर्ट टू थे ना, उसका एक एयरपोर्ट मेरे प्यारे टप्पू ने खा लिया था, तो वो एक खराब हो गया था। अब दूसरा मैं एक दिन कनेक्ट कर रहा था, वो भी नहीं हो रहा था, मैं सोचा नहीं ले लूँ। एयरपोर्ट थ्री आए हैं, वो अच्छे हैं काफी, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वही बाय करने वाला हूँ। तो और उसके बाद मैं आज पूनम जी को खिलाता हूँ कुछ हेल्दी और चटपटा। हर्ष तेरे मोमोज चाटते बस बस झूठा है, झूठा झूठा झूठा। दोनों बंदे ना मिले जुले हैं रोज। मेरे को क्यों भाई, मेरे को क्यों? मैं तो आज आपको सोयाबीन की चाप खिलाऊंगा। मुझे एडिडास की टी-शर्ट पसंद आ गई। मैंने कितने पसंद आ रही तो कितने का आता वाइट कलर का, ये वाली ब्लैक कलर की रेडी। लाना तो फिर गाड़ी में पड़ा है मेरा बैग। कौन सा बैग? एक्सिस है ना? एक्सिस HDFC है। व्हाट डू यू वांट? मैं ये वाले एयरपोर्ट लेने वाला हूं जो मैंने गाड़ी में बताया था ना, बेसिकली ये है। करो जी करो ओपनिंग। कांग्रेचुलेशंस माय गाइस। अब पहले ही सोच लो कि इनको आपने कैसे खत्म करना है। मैंने अपर केयर प्लस करवा ली है, मेरे हिसाब से करवानी चाहिए हम जैसे लापरवाह लोगों को। बात तो सही है। क्योंकि इसमें अगर ये गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो कुछ मिनिमम सा अमाउंट देके हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। क्योंकि मेरे लास्ट एयरपोर्ट्स, एक तो मेरे पेट टप्पू ने खा लिए थे, और एक बार मैंने अपने एयरपोर्ट जो उससे पहले वाले थे वो मैंने पोटी करते वक्त जब मैं उठा तो वो गिर गए थे अंदर, तो मेरे जैसे नुकसान होते रहते हैं। तो इस बार जब भी गिरेंगे मैं पोर्ट से उठा के इनके पास ले आऊँगा ताकि मुझे नए मिलते हैं। चलो मैं जरूरी यहाँ पे नहीं, कहीं भी पूरे इंडिया में, इवन ग्लोबल, जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ पे आप रिप्लेस करवा सकते हैं सर्विस सेंटर से। शुक्रिया। सुमेश जी ने अपने नए एयरपोर्ट्स ले लिए हैं और पूरे नाश्ते गाते चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है इनको। ओ हेलो, क्या बात, नए एयरपोर्ट्स ले लिए तो हमें ऐसे और बॉडी क्या बोल रहे हो? गाना गा रहा था मैं, सॉरी कोई माफ कर दो, माय मुंह से निकल गई। तुम पागल तो नहीं हो गए? सॉरी मुंह से निकल गई, कुछ भी बोलते हो। देखो भाई आज हो चुका है एक मोटा खर्चा। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता छोड़ देश। मुझे यहाँ लेकर आए हैं वीर जी चाप वाले। वैसे मैंने बाहर का खाना बंद किया हुआ है, पर सुमेश यहाँ मुझे ये कहकर लाए कि यहाँ पे सिर्फ सोयाबीन की चाप मिलती है ओरिजिनल लस्सी। पेन देने के लिए आया, कह रहा पेन ले लो, पेन है भाई, और पेन नहीं ले सकता तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पे हमारी चाप तैयार हो रही है। चाप कौन सी चाप है भैया? राइस। क्या बात है जी,
और ये सनी लियोनी चाप है ओ या चटनी के साथ। ये मेरी ये सनी लियोनी वाली बात पे इतना हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है मेरा भाई। आप खुद देख लो क्या लिखा। वो हंस नहीं रहे, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ओह नो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जो चीज अगला बोर लिखा है, बोर लिखा है। तो ये है हमारी यहाँ की स्पेशल चाप, दारा सिंह चाप। दारा सिंह स्पेशल चाप, देखिए अभी दे दो। सुमेश जी क्या करे आपने, गिर गई यार, सॉरी। तुमसे गलतियां होती रहती हैं क्या? बस वो देखो, बड़ी गलती तो आप ही। ओह नो, हमें घर जाना चाहिए। ये चिकन, चिकन वाला सेक्शन है, तो बकरे की पोटी दिखाओ। हर्ष कहता मुझे बहुत टेस्टी लगती है, हर्ष खाता है। हाँ मिस्टर शेफ, एवोकाडो लेने का सोच रहे हैं। एवोकाडो सैंडविच बनाते हैं, एवोकाडो भाई, एवोकाडो ले लो, एक किलो तो ले ही लो। Hey guys, thank you so much जो आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो for sure आपको पसंद आया होगा, तो व्लॉग को लाइक कर दो। और गाइज अब मेरे चैनल का नेम पुनुज हेयर से चेंज होकर प्यारे सुप्पू हो गया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये मैसेज उन सब लोगों तक पहुँचे जो अब तक मेरे चैनल को पुनुज हेयर के नेम से जानते थे। सो नाउ इट्स प्यारे सुप्पू एंड होप कि आपको मेरे चैनल का नया नाम पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताओ। बाकी जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।